निगुड़ा होता है स्पष्ट, गुड़ माने होता है छुपा के, और निगुड़ माने स्पष्ट। लेकिन नारद जी समझे ही नहीं उस बात को, उनको तो वही कन्या में मन लगा है, जल्दी जाके मैं विवाह कर लूं, भागे वहां से भागे। गौ ने तुरत तहां ऋषिराई, अरे जहां स्वयंवर भूमि बनाई, गए वहां पर जहां पर स्वयंवर की भूमि थी। अब नारद जी पहुंचे, जैसे ही नारद जी पहुंचे तो देखते क्या है, देखते हैं सब राजा बैठे हुए हैं, सब राजा अपने अपने समाज के साथ, अपने अपने लोगों के साथ, जैसे दीप दीप के भूपति नाना, सब राजा उस प्रकार से बैठे हुए हैं। माताओं बंधु, जैसे आप लोग अभी जाएं मेले में दर्शन करने, तो हर शिविर में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, तो हर महात्मा हर संत अपने अपने भक्तों के साथ, अपने अपने समाज के साथ, अपने अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ रहता है। आप लोग जाइए दर्शन करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रणाम करिए। उसी प्रकार संतों के जिस प्रकार भक्त होते हैं, राजा का उस प्रकार प्रजा होती है। तो राजा बैठे हैं अपने अपने लोगों के साथ, सब निज निज आसन बैठे राजा, और बहु प्रकार कर सहित समाजा, अपने साथ सारे बहु बनाओ कर सहित समाजा, सब सहित समाज के बैठे हुए। नारद जी गए तो नारद जी ने सब राजा देखा, उनकी होल्डिंग देखी, फिर उनको देखा, उनकी होल्डिंग देखी, उनका बैनर देखा, तो नारद जी ने कहा देखो तो मन में सोच रहे हैं, ध्यान दीजिए, मैं कहूँ गलत फहमी है, सब गलत फहमी कभी मत मानिएगा जीवन। नारद जी ने देखा सबका, बोले देखो तो ये लोग कितने मूर्ख हैं, ये अपना समय बर्बाद करने यहाँ आए हैं, टाइम वेस्ट करने, ये लोग सोच के आए हैं कि इनको कन्या जयमाल पहनाएगी, अरे लेकिन इनको तो मालूम ही नहीं है कि इनके साथ क्या होना है, जबरदस्ती यहाँ के बैठ गए, बाद में कितना दुखी होंगे वो, कितना इनको कष्ट होगा, तो जबरदस्ती आ गए। तब तक सोचते हैं नारद जी, मुनिमन हर्ष मुनि अति हर्ष, मुनिमन हर्ष रूप अति मोरे, और मोहित जी आन परिजनी भोरे। अरे मेरे रूप के होते हुए किसी को गलती से जयमाल पहनाएगी कन्या, ये जबरदस्ती आ गया देखो अपना टाइम बर्बाद करने। लेकिन फिर नारद जी सोचते हैं, अरे अरे बहुत अच्छा किया ये लोग आ गए, और भी आ जाओ जितने आने हो, और भीड़ बढ़ाओ, और सारे राजा आ जाओ, क्योंकि जितने सारे राजा यहाँ पे आएंगे, जितनी भीड़ बढ़ेगी, और उसके बाद जब कन्या मुझको जयमाल पहनाएगी, तो क्या मेरी ख्याति होगी, क्या इज्जत होगी। अरे भाई रेस में मैं अकेला दौड़ूंगा तो फर्स्ट आना ही है, जितने सारे लोग रेस में रहेंगे उतनी ज्यादा इज्जत होगी, उतना ज्यादा सम्मान होगा, आओ आओ और आ जाओ और बैठो, चलो चलो बैठे रहो। लेकिन मुनिहित कारण कृपा निधाना, अरे दीन कुरूप न जाई बखाना, भगवान ने नारद जी के हित के लिए ऐसा रूप दिया था। माताओं मुझे बस दो मिनट में अभी रूप बताया नहीं, अभी देखिएगा क्या रूप दिया था। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि रूप दिया था या कुरूप दिया था, बड़ी बात यह है माताओं बंधुओं, रूप तो बड़ा कुरूप तो बड़ा विचित्र दिया, लेकिन भगवान ने नारद जी की बेइज्जती समाज में होने नहीं दी। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि नारद जी महाराज के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, नारद जी महाराज को इस प्रकार से बना दिया गया है। सो चरित्र लख काहू न पावा, और नारद जानी सब ही सिरुनावा। सब नारद जी को प्रणाम कर रहे थे, नारद ये भगवान की भक्त, देखिए भगवान आपको सबक भी सिखाएंगे लेकिन अपने भक्त की बेइज्जती नहीं करवाते, भक्त को इस प्रकार से समाज में नहीं बेइज्जत कराया। कहने का अर्थ है आपका जो अपना हो ना, उसको बंद कमरे में जो सुनाना हो, जो बात करनी हो तो कर लीजिएगा, कभी अपने व्यक्ति को भरे समाज में आपने कहना चालू कर दिया ना, तो वो आपका वो भी अपना नहीं रहेगा, और समाज भी समझ जाएगा कि ये लोग इनका कोई है नहीं एक दूसरे से। इस प्रकार से जो करना हो बंद कमरे में, भरे समाज में भगवान अपने भक्त की इज्जत करते हैं, तो हमको आपको भी अपने संबंधों में इज्जत रखनी चाहिए, ध्यान दीजिए। अब हुआ ये कि नारद जानी सब ही सिरुनावा, सबने प्रणाम कर लिया, लेकिन एक कौतुक और हो गया वहां बड़ा विचित्र, कि रहे तहां दोई रुद्रगण
दो शंकर जी के गण भी आ गए थे वहां उसी स्वयंवर में, और ते जानै सब भेउ, वो सब जानते थे। जबकि उस स्वयंवर में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन वो दो रुद्रगण थे उन्हें सब मालूम था, सब जानते थे। आप बताइए, सो चरित्र लखी काहू न पावा, और नारद जानी सब ही सिरुनावा। जब सबने प्रणाम किया तो ये दोनों क्यों जाने जी, इनकी क्या जरूरत थी जानने की, क्या कारण था? अभी आएंगे, बस ज्यादा ज्यादा 10-15-20 मिनट में हम लोग उस पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। कोई तो कारण था जो ये लोग जानते थे। रहे तहा दोई रुद्र गण ते जानई सब भेउ, और विप्र वेश देखत फिराई परम कौतुकी ते। ब्राह्मण के वेश में आ गए थे और क्या किया, अब ब्राह्मण के वेश में आए और इंतजार कर रहे थे कि नारद जी बैठे जल्दी पहले कहीं, वो बैठे तो हम बैठे फिर उनके बाद, क्यों देखिए क्यों। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। एकदम फूल के बैठे नारद जी कि जल्दी से स्वयंवर वयंवर चालू हो, जल्दी से हमें जयमाल पहने, हम तो अब जयमाल पहनने के लिए आए हैं, जाके बैठे अपना। बैठे महेश गण दो, वहीं जाके बैठ गए नारद जी की समाज में बैठे। विप्रवेश देखत भी नहीं, ब्राह्मण के जो समाज था वहां जाके बैठे, ध्यान दीजिए, बन के गए हैं नारायण और जाके बैठ रहे हैं ब्राह्मणों के समाज में। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ऊपर से कितना भी अच्छा बन जाए, उसके अंदर का स्वभाव थोड़ी बदलता है, जो वो है अंदर से तो ब्राह्मण देवी है, नारद जी हैं, चेहरा बदल लोगे तो क्या होगा, मुखौटा लगा लोगे तो, अंदर से तो वही है। तो जाके वो भी वही ब्राह्मणों का समाज ही देखा, वही जाकर के बैठ गए। तो बैठे तो पीछे से, तहां बैठे महेश गण दो, और विप्र वेश गति लखई न को। अब विप्र बन के बैठ गए और पीछे बैठ के क्या कर रहे हैं जानते हैं? करहीं कूटी नारद ही सुनाई, कूटी 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 भी ठेठ अवधि शब्द है, ठेठ। कूटी का अर्थ समझिए क्या है, कूटी का अर्थ मैं इसको थोड़े उदाहरण से समझाऊंगा, आप लोग तब समझेंगे। माताओं बंधुओं, हम सब लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, आप लोग भी सब पढ़े ही हैं, तो हमारे स्कूल कॉलेज में क्या होता है जानते, कॉलेज में हम लोगों की सबकी क्लास में एक ऐसा मित्र होता है, एक मित्र ऐसा होता है जो बहुत ही विचित्र तरीके से फैशन करता है। उसका जो फैशन का ढंग होता है, जो कपड़े पहनने का ढंग होता है, मानो वो जैसे सिंगापुर में फैशन आता है ना सबसे पहले, तो सिंगापुर के बाद सीधे वही उसको उपयोग करता है। एकदम विचित्र कपड़े पहन के आता है वो, कभी लाल पैंट पहन लेगा, कभी कुछ पहन लेगा, कभी मतलब जो सबसे नया फैशन आया है। अरे भाई, बाल खड़े वड़े करने का फैशन चलने लग गया है, वो गजनी भी चला था बीच में, तो आप बताइए कि पहला बार जिसने गजनी किया था वो कोई अच्छा लगा था क्या? हंसी उड़ी थी कि नहीं? फिर 2-5-10 बार सबकी भी आदत पड़ गई, कहा चलो भाई अब ठीक है, अब तो हो ही गया। लेकिन पहली बार जो फैशन करता है वो अजीब लगता है कि नहीं लगता, आप बताइए, चाहे छोटे बाल के हो, चाहे बड़े बाल के हो, चाहे बेल बॉटम हो, चाहे वो स्लैगी जैसा हो, कुछ भी हो, पहली बार में तो विचित्र लगेगा। तो वो व्यक्ति, वो हम लोगों का दोस्त, जब कॉलेज में क्लास में फैशन करके आता है बिल्कुल नया, तो आकर के पूछता है हम लोगों से कि मैं कैसा लग रहा हूँ आज, यही पूछता है कि नहीं, सबसे पूछता है क्यों आज मैं कैसा लग रहा हूँ बताओ तो। तो हम लोग ये थोड़ी कहते हैं, कह रहे तुम कैसे विचित्र बन रहे हो, कैसे तुम बेकार लग रहे हो, ये बिल्कुल अच्छा। हम लोग कहते हैं कि वाह, आज तो छा गए गुरु, आज तो सारे कॉलेज में तुम्हारा ही जलवा है, आज तो केवल आप ही आप हैं हर जगह, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तुम्हारे जैसा कोई लगना, हम लोग तो बिल्कुल आज तुमने फेल कर दिया, क्या लग रहे हो। तो वो जो रहता है मित्र, वो ये थोड़ी सोचता है कि आप कोई झूठ बोल रहे हैं, आप उसके मजे ले रहे होते हैं, लेकिन वो सोचता है कि अरे भाई मैं सचमुच छा गया हूँ, इसीलिए तो ये लोग कह रहे हैं मेरे सारे मित्र कि मैं आज छा गया हूँ, मुझसे आज अच्छा कोई नहीं लग रहा, क्योंकि मैं लग रहा हूँ, मैं लग ही रहा था, वो तो मैंने केवल कंफर्म करने के लिए पूछा था, इन लोगों ने कह भी दिया, देखो मैं पूरे कॉलेज में सबसे छा गया हूँ। लेकिन हम लोग थोड़ी जो, तो हम जानते क्या है, इसी को कहते हैं कूटी, माने करें भी मजाक और सामने वाले को समझ भी ना आए, ये कूटी है, ठेठ अवधि शब्द।
तो यही हुआ, नारद जी के पीछे बैठे हैं, कह रहे हैं वाह आज तो सारी महफिल लूटी है तो इन्हीं ने लूटी है, क्या लग रहा है, क्या दिख रहे हैं। करहि कूटि नारद ही सुनाई कि नीक दीन हरि सुंदर ताई, क्या लग रहा है आज तो छा गए, आज तो इनके जैसा कोई लग ही नहीं रहा, वाह क्या बात है। अरे ये तो बिल्कुल हरी लग रहे हैं, हरी हरी। तो उनको लगा कि क्या इन्होंने हरी कहा क्या, तो नारद जी ने कहा अब तो पूरा पक्का हो गया कि मैं हरी लग ही रहा हूं। अरे भाई जब कह ही दिया कि हरी लग रहे हैं, हरी हमारे प्रभु। लेकिन माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, हरी के दो अर्थ होते हैं, एक हरी का अर्थ होता है नारायण और एक हरी का अर्थ होता है वानर बंदर। तो वो कह रहे हरी ये तो बिल्कुल हरी लग रहे हैं, हरी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ज्यादा अंतर नहीं है दो शब्दों में सुंदर और बंदर कहने में, तो पीछे से वो लोग मजाक करते हुए कहते वाह क्या लग रहे हैं, अरे ये तो बिल्कुल बिल्कुल बंदर लग रहे हैं बंदर। अब वो सोच रहे हैं कि शायद ये सुंदर कह रहे हैं, ये हरी कहा ना पहले, इन्हें हरी कहा था तो हरी तो सुंदर है, हरी बंदर थोड़ी है, ऐसा सोच रहे हैं नारद जी। वो कह रहे रीझ ही राज कुंवरी छवि देखी और इन्हें ही बरी ही हरी जान बिसेखी, इन्हीं को बरेगी, ये तो बिल्कुल हरी लग रहे हैं, हरी हरी वाह हरी। तब तक बगल वाला बैठा हो गया था, अरे बिल्कुल बंदर लग रहे हैं बंदर बंदर। तो नारद जी ने कहा क्या इन्होंने पीछे से बंदर कहा क्या, तो उनको नहीं 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 अरे सुंदर कहा होगा, सुंदर और बंदर शब्द मिलते जुलते हैं और इतनी भीड़ है इतना हल्ला है नहीं समझ में आया वो सुंदर कह रहा होगा, मैं क्यों, अरे जब मैं सुंदर लग रहा हूं तो मुझे कोई बंदर क्यों कहेगा जी। नारद जी बार बार ऐसा सोच रहे, उन्होंने तो अभी हरी कहा ना मुझे तो बंदर क्यों कहेंगे, सुंदर कह रहे सुंदर ही कहा होगा। तो जदपि सुनी मुनि अटपटी बानी, सुंदर कहा कि बंदर कहा, नहीं 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 सुंदर ही कहा, समुझी न परई बुद्धि भ्रमसानी, क्योंकि उनकी बुद्धि तो भ्रम में थी, वही गलतफहमी में थी, मैं हूं और कोई दूसरा नहीं है। माताओं बंधुओं अब तब तक क्या हुआ, तब तक संग वो कन्या आ गई, कन्या आ गई, ध्यान दीजिएगा पीछे से मजाक चल रहा है, काहू न लखा सो चरित विशेखा, कोई जान नहीं पा रहा है, केवल मजाक मस्ती इन दोनों के बीच में चल रही है छेड़छाड़। तब तक क्या हुआ कि वो कन्या आ गई, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा 10 मिनट ये प्रयास करिएगा, 15 मिनट कि उस स्वयंवर में आने का प्रयास करिएगा, देखने का प्रयास करिएगा, सुनने का प्रयास मत करिएगा, स्वयंवर में हम लोग आ गए हैं, प्रवेश कर रहे हैं, इसका प्रयास करिएगा। मैं ध्यान दीजिए हुआ क्या, काहू न लखा सो चरित विशेखा और सो स्वरूप नृप कन्या देखा, कन्या आ गई मंच पर, फर्ज कीजिए इसी प्रकार कन्या आई होगी मंच पे, यहां से सब दिख रहे हैं। तो क्या हुआ जानते हैं, कन्या आई मंच पर जयमाल लेकर के, और क्या हुआ कि सो स्वरूप नृप कन्या देखा, कन्या आई और उसकी नजर एकदम से नारद जी के ऊपर गई। तो नारद जी ने कहा अब तो पक्की बात हो गई कि इस पूरी महफिल में मुझसे सुंदर कोई लग ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में और कन्या की निगाह आकर के केवल मेरे ऊपर अटकी है, इसका मतलब है कि सबसे सुंदर मैं ही लग रहा हूं, सबसे अच्छा मैं ही लग रहा हूं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस संसार में केवल भीड़ में दो ही जगह नजर अटकती है, या तो कोई अलौकिक तेज हो, अलौकिक रूप हो, अलौकिक प्रभु की कोई कृपा हो, यशस्वी व्यक्ति हो, या दूसरा कोई ऐसा विचित्र प्राणी हो, ऐसा बेढंगा हो, तो उसके पास रुकेगी, दो ही जगह तो रुक सकती है। तो नारद जी सोच रहे हैं मैं अलौकिक लग रहा हूं और कन्या देख रही है, क्या कन्या ने क्या देखा, भगवान रूप लिखते हैं कि मरकट बदन भयंकर देही, भगवान ने कन्या वो नारद जी महाराज का मुंह तो बनाया था बंदर का और शरीर बनाया था भालू का,
क्योंकि मुंह मुख बंदर का भयंकर होता है और शरीर शरीर भालू का भयंकर होता है, बंदर का शरीर भयंकर नहीं होता है। क्या किया? बोले मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। कन्या ने देखा तो क्रोध से लाल हो गई नारद जी को देख करके। क्यों क्रोध से लाल हो गई? कन्या को लगा कि मेरे पिताजी ने स्वयंवर क्या रख दिया, तो लोकतंत्र का ऐसा मजाक बना हुआ है कि बंदर भालू हाथी घोड़े भी किस्मत आजमाने आने लग गए कि क्या मालूम तीर में हमारा ही तुक्का लग जाए। स्वयंवर तो है ही, कोई पास और कोई पर्ची तो है नहीं, जाओ क्या मालूम हम ही को पसंद कर ले, बंदर भालू भी चले आ रहे हैं। तो कन्या ने सोचा कि अब आ रहे हैं तो आ रहे हैं, क्या करें, आने वाले को तो कोई रोक नहीं पाया, जैसे जाने वाले को नहीं रोक पाते वैसे आने वाले को भी नहीं रोक पाते। तो कहा कि भाई अब क्या करें, बैठे बैठे रहने दो, हमें जिसको पहनाना होगा हम पहनाएंगे। नारद जी तो बैठे हैं फूल के। तब तक कन्या इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही कन्या यहां से निकली और क्या किया, बोले संग सखी लय कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब और कर सरोज जयमाल। हाथ में जयमाल लेके और इधर उधर राजाओं को देखते हुए कन्या ऐसे उतरी, ऐसे ही सीढ़ियों से उतर रही होगी। अब फर्ज कीजिए कि कन्या जब उतरी मंच से तो नारद जी बैठे होंगे जैसे बैठे हैं अभी, उदाहरण के तौर पे जैसे हमारे पांडे सर बैठे हैं, तो आरबी पांडे सर बैठे हैं उसी प्रकार इतनी दूर नारद जी होंगे। कन्या यहां से उतरी तो जैसे ही कन्या उतरी तो नारद जी ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली, जैसे अभिमान व्यक्ति लेता है कि अरे अब तो, और आंखें बंद कर ली। जैसा होता है ना आप लोग, तो मैं देखिए बड़ी आप लोगों से मैं कोई बहुत बड़ा वेदांत नहीं लेकिन बहुत सरलतम तरीके से बताऊंगा। आप लोग टीवी देखते होता है ना अवार्ड फंक्शन में, जब होता है कैन द अवार्ड गोज टू, तो क्या होता है उसमें, उसमें यही होता है कि दो चार लोग सोचते हैं कि हमको मिलेगा हमको मिलेगा, तब तक किसी और को मिल जाता है तो बेचारे ताली बजा देते। तो उसी प्रकार से नारद जी महाराज को लगा कि बस उतरी और उतर के आके बस जयमाल पहनाएगी, तो उन्होंने आंखें बंद की और लंबी सांस ली। अच्छा यहां से वहां तक जाने में कितना देर लगेगा, 30 सेकंड, आधा मिनट ज्यादा, 40 सेकंड। तो नारद जी ने आंखें बंद करके सोचा कि बस 40 सेकंड बाद मेरे कंधों पे कुछ भार आएगा, आखिर मैं खड़ा हो जाऊंगा एकदम से, जैसे कंधों पे वो जयमाल वाला भार आएगा। तो बैठे और आंखें बंद है। अब हो गई बहुत देर, हो गई बहुत देर, हो गई 40 सेकंड के, 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, कंधों पे भार नहीं आ रहा है, क्या मामला है? तो नारद जी महाराज निकारी कहा क्या हो गया, आई क्यों नहीं कन्या? क्योंकि जे ही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते ही ना पिलो की भूली। नारद जी की तरफ तो देखा भी नहीं उन्होंने, वो तो सीधे आगे निकल गई। तो जब आगे निकल गई तो नारद जी ने 2-4 मिनट बाद देखा, अरे कहाँ चली गई कन्या, क्या हो गया ये? तो देखा रे वो तो आगे जा रही है, पहना ही नहीं जयमाल, क्या मैं पसंद नहीं आया उसे, क्या हो गया या देखा नहीं क्या हो गया? तो नारद जी को लगा कि ओहो अब समझ में आया मामला, वाह क्या बुद्धिमान है कन्या, तो भाई बुद्धिमती है ऐसी। मैं तो सोचता था कि रूप के साथ भगवान दिमाग नहीं देता, ऐसी कन्या है कि रूप भी है और इतना अच्छा बुद्धि भी है। देखिए गलत फहमी, मैं वही कह रहा हूँ, गलत फहमी पालना क्या है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं विशफुल थिंकिंग। हम अपने ही ख्यालों में कि हम ही खोए हुए, वही होगा जैसा हम चाह रहे हैं, ऐसा होता नहीं, ध्यान दीजिए। तो कन्या सोच रही, वो नारद जी सोच रहे हैं कि वाह क्या दिमाग है, अरे भाई ये कन्या उतर के आती और उतर के आके मुझको जयमाल पहना देती लपक के, तो यहाँ जितने राजा बैठे हो कहते वाह साहब हम लोगों का आपने फर्जी बुलाया था फालतू में, पहले से सब कुछ तय था, कन्या ने हमारी तरफ देखा भी नहीं, हमें एक मौका भी नहीं दिया, तो स्वयंवर काहे के लिए रखा था हम लोगों को बुलाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। कन्या इसलिए उतर के गई है क्योंकि वो सोच रही है, पसंद तो उसने मुझे कर लिया लेकिन वो सोच रही है कि राजा लोग कहीं गुस्सा ना हो जाएं,
इसलिए दिखाने के लिए माने फॉर्मेलिटी में थोड़ा आगे पीछे घूम रही कि सब लोग नॉर्मल भी हो जाएंगे, फिर धीरे से आकर के मैं जयमाल पहना दूंगी। क्या बात है, क्या बात है, कन्या तो बड़ी बुद्धिमान है, नारद जी सोच रहे हैं। तब तक क्या हुआ, कन्या तो घूम रही आई ही नहीं रही, नारद जी को लगा रही है तो ज्यादा ही फॉर्मेलिटी हो गई, इतनी फॉर्मेलिटी अभी तक क्यों नहीं आ रही है, आना चाहिए, इतनी देर हो गई। तो फिर सोचा क्यों नहीं आ रही होगी, फिर देखिए ये पूरा प्रसंग ही। देखिए हमारे जीवन में भी आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो अहम है ना, अहम, ये अहम नहीं है, वहम है, वहम, अहम ही वहम है, माने मैं हूं मेरा है, ये चीजें जितना है ये अहम है, यही वहम, माने गलतफहमी है, भ्रम है, ये दुनिया ही मिथ्या है, भ्रम पर टिकी हुई गलतफहमी पर। इसलिए प्रयास करिए गलतफहमी मत पालिए, प्रसंग ही वो सिखा रहा है। तो नारद जी ने सोचा कि अरे ये अभी तक इतनी लंबी फॉर्मेलिटी हो गई, या क्यों नहीं रही। तो मन में सोच रहे हैं अच्छा अच्छा ओहो अब समझा क्यों नहीं आ रही। अरे हो सकता है कि कन्या गई हो, कन्या गई हो इस सबको धोखे में रखने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए कि मैं जाऊं और थोड़ा सा घूम फिर के आ जाऊं, लेकिन फॉर्मेलिटी के चक्कर में इतनी आगे निकल गई हो और इतनी भीड़ में वापस आने के बाद हमको खोज भी ना पा रही होगी हम कहाँ हैं। अरे भाई कन्या है, दुल्हन है, शर्म तो आएगी, कोई आंखें उठा के थोड़ी देख सकती है हमको। तो वो शर्म के मारे बेचारी मन ही मन सोच रही हो कि कहाँ चले गए मेरे प्रियवर, कहाँ चले गए मेरे दूल्हे राजा, और ये सोच करके वो मन ही मन ढूंढ रही हो और मैं उनको मिल ना रहा हूँ, तो लाओ उसके ढूंढने में कुछ मदद कर दूं, मैं उसकी उसकी फॉर्मेलिटी बहुत हो गई, कुछ मदद कर दूं तब मुझे ढूंढ लेगी भीड़ में, शायद इसीलिए ना ढूंढ पा रही हो। तो क्या किया नारद जी ने, थोड़ा खासा, थोड़ी भीड़ उधर से उधर की, कुर्सी इधर से उधर की, अरे थोड़ा ये करो, थोड़ा चिल्ला चोट मचाई कि वो कन्या समझ ले कि हो, जिसे हम लोग कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्राप्त करने की जो प्रयास होते हैं। तो क्या किया, कभी इधर खिसक रहे हैं, कभी उधर से घास रहे हैं, कभी उधर किसी को धक्का दे रहे हैं, पुनी पुनी मुनी उक सही अकुलाही, कि अब तो देख ले, अब तो देख ले। तो कन्या तो देख नहीं रही, पीछे से हरगढ़ देख रहे हैं वो रुद्रगढ़, देखो भैया तमाशा, ये कामदेव को जीते थे, ये काम पर विजय प्राप्त किए मुनि, कैसे कन्या के लिए देखे बिलख रहे हैं। देखी दशा हरगण मुस्काही, हरगण मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी इधर से उधर छटपटा रहे हैं, कन्या कब आएगी, कैसे विवाह होगा। तब तक धरी नृप तनु तह गयउ कृपाला, और कुंवरी हरषि मेले जयमाला। जैसे ही प्रभु आए तो कन्या ने ना आओ देखा ना ताओ, दौड़ के गई और जाकर के फटाक से जल्दी से बिना विलंब किए जयमाल डाल दी। दुल्हिनी लई गए लच निवासा, और सारे जितने राजा थे, राजाओं ने सोचा कि भैया ये तो स्वयंवर है, स्वयंवर, स्वयंवर में राजाओं का काम है जाना, अब किसी स्वयंवर में किसी को जयमाल पहनाई जाएगी, किसी में किसी को पहनाई जाएगी, हारेगा जब कोई बाजी तभी तो होगी किसी की जीत। तो भैया कोई बात नहीं, इस बार हमें नहीं पहनाई गई, किसी और स्वयंवर में जाएंगे वहां हमें पहना दी जाएगी, कोई बात नहीं, होता है तो स्वयंवर स्वयंवर का खेल है। तो वो तो बेचारे अपना आपको समझाते हुए नृप समाज सब भय निराशा, सब अपना बेचारा मुंह लटका, कोई बात नहीं अगली बार किस्मत आजमाएंगे, कहीं और देखेंगे। लेकिन नारद जी महाराज उनकी तो वो हालत थी उस समय, जैसे ऊंट पे चढ़ने के बाद भी कुत्ता काट ले ना, तो जो हालत होती उस व्यक्ति की, माने सारा फुल प्रूफ प्लान था, कहीं कोई लूप होल नहीं था, कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी, भगवान का रूप भी मिल गया था, ये कैसे हो गया, ये मामला समझ नहीं आ रहा नारद जी को। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, तम बिकल है, क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्या करूं मैं, मन गिर गई छूटी जनु गांठी, जैसे कि मणि निकल के गिर जाए नीचे, वो हालत, माने जैसे अपने पर्स से पैसा गिर जाए तो जितना दुख होता है हमको माताओं बंधुओं, क्योंकि हमारा पैसा था, उसी प्रकार कन्या को नारद जी महाराज अपना समझ ही लिए थे पहले से कि तो मेरी कन्या है, कोई दूसरा कैसे ले जाएगा, कैसे, वो ये थोड़ी सोच के आए थे कि कोई मैं स्वयंवर में आया हूँ किस्मत आजमाने, वो तो ये सोच के आए थे कि मैं कन्या को लेने आया हूँ, मेरी कन्या है, मैं ले जा रहा हूँ रूप में, मुझे मिली गया है। लेकिन हालत खराब है,
छटपटा रहे हैं, ये क्या हो गया, क्या हो गया। तब तक पीछे रुद्रगण जो खड़े थे ना, उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा, भैया अरे गजब तमाशा है आजकल, क्या बताएं आपको। नारद जी सुन रहे हैं, भैया आज कल के लड़के लड़कियों में बिल्कुल भी चॉइस नहीं रह गई, किसी को भी पसंद कर लेते हैं, किसी से भी शादी कर लेते हैं। कौन सी योग्य है, कोई योग्य नहीं है, कौन ऐसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कोई पहचान ही नहीं लड़के लड़कियों में, कोई चॉइस ही नहीं है। इतने अच्छे वर खड़े हुए हैं सामने, इतने सुयोग्य, इनको नहीं पहनाई जयमाल, अन जाने किसको पहना दी। आज के लड़के लड़कियों में चॉइस वॉइस नहीं रह गया, समझ में आ गई हमको बात। तो नारद जी सुन रहे हैं कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं ये लोग। तो चुपचाप तब तक वो कहते, भैया ऐसा है, अरे महाराज एक काम करो, जाके जरा शीशे में जाके देखना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेयर स्टाइल स्टाइल कुछ बिगड़ गई हो, बाल वाल फैशन थोड़ा कम पड़ गया हो, कहीं से कुछ शर्ट वर्ट मुड़ गई हो। तो आप इतने सुंदर लगते हैं, इतना आपका वो समझ ना पाई हो कन्या, बाल वाल इधर कंगी होंगी, बाल खड़े हो गए हो, जाके देखना तो ऐसा तो नहीं हो गया। तब हरगन बोले मुस्काई कि निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई, जाके जरा शीशे में देखना कहीं बाल वाल ना बिगड़ गया हो। तो नारद जी ने कहा, ये भी तो सही है, जाके एक बार देख लूं, क्या मालूम फैशन कम पड़ गया हो मेरा। तो जाके पहुंचे तो माताओं बंधुओं, कभी आप लोग अजायब घर तो गए होंगे, कई लोग वहां कई ऐसे शीशे होते हैं, किसी में मुंह बड़ा दिखता है, किसी में पतले दिखते हैं, किसी में लंबे दिखते हैं, किसी में यहाँ का वहां दिखता है। जब आप लोग शीशे शीश महल में जाएंगे, इधर का उधर दिख रहा है, उधर का उधर दिख रहा है। तो नारद जी गए तो देखा तो उनको लगा, अरे ये कोई अजायब घर का शीशा लगा रखा है क्या यहाँ पे, सीधा सीधा शीशा भी नहीं लगा सकते लोग, अमीर आदमी। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, हम थोड़ा इधर उधर टहल के देख ले। तो उधर से उधर गए, उधर से उधर गए, जब चारों तरफ घूमा और घूमने के बाद देखा कि अरे ये तो मैं ही हूं और कोई नहीं है। तो बेश पिलो की क्रोध अति बाढ़ा, ध्यान दीजिएगा क्यों गए थे ये रुद्रगण, क्या जरूरत थी। माताओं बंधुओं, नारद जी ने काम पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, गलत फहमी थी उनको। और क्रोध पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, विचार करिए। उदाहरण के तौर पे आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में आपको कोई अच्छा सीरियल आया, कोई अच्छी फिल्म आ रही है, आप देख रहे हैं, आपको किसी अपने मित्र की याद आ गई, आपने उसको फोन लगाया, घंटी पे घंटी जा रही, मित्र ने फोन नहीं उठाया, आप भोजन करके सो गए, संध्या को मित्र आया, मित्र ने कहा अरे आपका फोन आया था मेरे भाई, मैं थोड़ा उस समय थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा सोच रहा था, अभी बाद में उठा लूंगा, तो इसलिए क्षमा करना, गुस्सा मत होना, गुस्सा तो नहीं हो। तो वो कहेगा कि अरे कोई बात नहीं, आप कहेंगे अरे कोई बात नहीं, कैसी गुस्सा, मुझे तुम्हारी याद आई तो लगा लिया, आओ आओ बैठो चाय पीते। तो क्या आपने क्रोध पे विजय प्राप्त कर ली? आप किसी विषम परिस्थिति में फंसे हैं कहीं, और वही एक ऐसा मित्र है जो आपकी मदद कर सकता है, और आप उसको फोन पे फोन लगाए जा रहे हैं, कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, वो उठा नहीं रहा है, आप फंस गए किसी प्रकार, शाम तक रात तक जान छुड़ा के आप किसी प्रकार वापस आए। वो मित्र आया, अरे मित्र तुम्हारा फोन मेरे पास आया था, और मैं थोड़ा सा उस समय सोचा ना उठाऊं, बिजी था, क्या हुआ बताओ। तो आप कहेंगे अच्छा, जब मुझे जरूरत थी तब तो तुम फोन उठाए नहीं, आज के बाद तुम्हारे को मैं ना जीवन में कभी कॉल करूंगा और तुम्हारा नंबर भी मैं डिलीट कर रहा हूं। ऐसे कैसे मित्र हो जब काम पे नहीं काम आ पाए, मदद नहीं कर पाए, नहीं मुझे आवश्यकता है आपकी। कहने का अर्थ है, क्रोध की परीक्षा ड्राइंग रूम में सोफे पे लेट के नहीं होती है, क्रोध की परीक्षा होती है विषम परिस्थिति में जब आप हैं, तब कितना धैर्य रख सकते हैं, तब कितना चुप रह सकते हैं, तब पता पड़ता है।